नर्मदा की घाटी में अब लड़ाई जारी है, नर्मदा की घाटी में अब लड़ाई जारी है। चलो उठो रोकना विनाश है, चलो उठो रोकना विनाश है। विकास के नाम पर बांध का ये खेल है, विकास के नाम पर बांध का ये खेल है। सोच लो जान लो लाभ हानि कितनी है, सुप्रीम कोर्ट के 8 फरवरी 2017 के फैसले की कई बातें बहुत विशेष हैं। इस फैसले ने सरकार की तो पोल खोल कर ही दी। मध्य प्रदेश शासन जो कहता था कि जीरो बैलेंस है, सबका पुनर्वास हो चुका है, उसको आखिर स्वीकारना पड़ा है कि सैकड़ों किसान परिवारों को जिन्होंने जमीन का आग्रह रखा है अब 5.5 लाख रुपया देकर फंसा नहीं सकते और उन्हें ज़मीन मिलना बाकी है तो 60 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और फर्जी घोटाले में जो फंसाए गए, जिसकी रिपोर्ट में सह कमीशन के पूरी बात और सूची भी आई है, ऐसे 1358 परिवारों को 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन जिस तरीके से 1992 से ही कोर्ट में गया और कोर्ट में हर बार जीत लाया है, वो चाहे 2000 का फैसला हो या 2005 का फैसला हो या 2006 में आया है फैसला है या 2017 का फैसला हो, लगातार एक संघर्ष के साथ ही हर बार फैसले आए, वो चाहे कानूनी लड़ाई हो या मैदानी लड़ाई, दोनों लड़ाई में एक साथ लड़ी है। तो जो आज फैसला आया है, जो अभी 8 तारीख का जो फैसला आया 8 फरवरी 2017 का, एक तो उसमें दो चीज़ लिखी है कि जो जिन्होंने पैसे को हाथ नहीं लगा उनको 60 लाख देंगे, और जिन्होंने एक किस्त ली SRP की यानी विशेष पुनर्वास अनुदान की एक किस्त ली उनको भी 60 लाख मिलेगा, और जिनकी फेक रजिस्ट्री हुई उनको 15 लाख मिलेगा। ये तीन ही कैटेगरी के लोग सिर्फ 30% या 40% लोग होते हैं, बाकी 60% लोगों को क्या होगा, एक चीज़ बहुत बड़ा एक सवाल तो खड़ा है ही। उसके लिए आंदोलन तो चाहे वो मैदानी लड़ाई हो या कोर्ट की लड़ाई, उसके आपने उनके सामने रखा है पर उस पर उस ऑर्डर में नहीं आया है, उसके लिए लगातार कंटिन्यू संघर्ष करेगा, वो चाहे मैदान में संघर्ष करना हो या कोर्ट के सामने करना हो तो चलेगा ही लगातार। इस ऑर्डर से दो चीज़ एक तो स्पष्ट हो रही है, एक तो क्या 30 तारीख को पूरा खाली करवाना, क्योंकि दो चीज़ें से क्लियर हो, एक तो क्या राजनीतिक जिस तरीके से बीजेपी जब भी शासन का है उस समय हर बार बांध के ऊँचे बढ़ गए बिना गैरकानूनी तरीके से, कोई किसी आंकड़े या किसी चीज़ को देखते हुए भी अपने गुजरात शासन अपना राज्य यानी अपनी चीज़ को लाभ पाने के लिए हर बार वो करते हैं, वो चाहे उस समय प्रधानमंत्री दूसरे बने हो उस समय वैसा ही हो बीजेपी का, या हर बार इस तरीके से ही हो रहा है। तो 31 जुलाई को जो खाली करने की पूरी बात कर रहे हैं ये पूरा गैरकानूनी तरीके से गलत है, क्योंकि आज की स्थिति में 40,000-45,000 परिवार ऐसे हैं जिनका मकान बनाना पुनर्वास करना एक संभव नहीं है, क्योंकि 3 महीने बचे और 3 महीने में सब कुछ संभव कैसे होगा, क्योंकि उनकी आजीविका है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बसाना यानी हर अलग अलग, और जो बसावटें बनी हुई यानी क्योंकि 192 गाँव डूब में है और एक नगर डूब में है, करीब 45,000 परिवार को पुनर्वास वापस करना फिर से, और इतने साइट्स हैं इतने सारे प्लॉट्स, क्योंकि टोटल 88 बसावट में भी करीब 27 से 28 हज़ार प्लॉट है और 40,000 लोगों को मकान बनाना है तो कहाँ संभव है, और उसके लिए कोई बजट पास नहीं हुआ है, सिर्फ दिखाने के लिए कागज़ पे गुजरात की तरफ से बजट पास किया है, वो वास्तव में जेन्यून लोगों तक पहुंचा नहीं अभी तक। यानी सुप्रीम कोर्ट का 8 फरवरी को आदेश आया, आज हम 8 करीब अप्रैल महीने में आ गए, पूरा 2 महीने हो गए, 2 महीने में अभी तक उसका किसी भी व्यक्ति को पेमेंट नहीं हुआ, किसी व्यक्ति का कोई पुनर्वास नहीं हुआ है, आज वही स्थिति है, आज भी लोग मूल गाँव में रह रहे हैं, मूल गाँव में मूलभूत सुविधाएँ चल रही, सब कुछ मूल गाँव में हो रहा है। जैसे हमारी हरी भरी खेती है, हम मजदूर लोग हैं, ये किसान लोग खेती नहीं करेंगे तो हम मजदूर लोग कहाँ जाएंगे, किसान की खेती के पीछे तो हम गरीबों का पेट पालन है। सोच क्या है, जमीन का बदला जमीन और मछली का अधिकार को कहीं भी हमको दो, धंधा बताओ नहीं तो फिर हमको अधिकार दो। मध्य प्रदेश की पुनर्वास नीति में चरागाह और स्मशान ये दो सुविधाएं जोड़ी गई जो ट्रिब्यूनल में नहीं थी, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश में इतने बड़े बड़े गाँव के, इतने किसानों के, इतने ढोरों के जहां पुनर्वास की व्यवस्था करनी है, उन 88 पुनर्वास स्थलों में से एक भी स्थल पर चरागाह नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 8 फरवरी 2017 के फैसले में कहा है कि जो भी समस्याएं होगी पुनर्वास स्थलों को लेकर, सुविधाओं को लेकर, उसकी शिकायत निवारण प्राधिकरण में बैठे हुए भूतपूर्व न्यायाधीशों के सामने दर्ज की जाए। ये पिल्लर सरकार ने ही गाड़ा है, ये पिल्लर
कि यहाँ तक पानी आ गया, ये डूब में है और ये सरकार ने ही पिल्लर गाड़ा और आज सरकार ही बदल रही है कि ये तो डूब से बाहर है। कैसे डूब से बाहर है? मुआवजा दिया तो समय में, ये मुआवजा मिला जब ये डूब में जा रहा था, आप डूब से बाहर बता रहे, हम मान्यता कैसे करेंगे? 2000 के फैसले में ये भी कहा गया कि सरदार सरोवर के साथ साथ पुनर्वास नीति की प्रगति हुई है देश में, और उसमें केवल किसानों को, केवल जमीन मालिकों को नहीं तो मजदूरों को, मछुआरों को, भूमिहीनों को, टापू बनने वाली जमीनों पर जो खेती आज कर रहे हैं उनको सबको बख्शा है। पुनर्वास के लिए जमीन ली गई है उनको भी बख्शा है, लेकिन प्रत्यक्ष में इस एक्शन प्लान पर अमल नहीं हुआ। आगे चल के अभी गवर्नमेंट ने जो फैसला दिया है कि इनको जिसने कुछ लिया नहीं उसके 60 लाख रुपए ये सरकार ने मंजूर करा, दे भी रहे, और जिनने नहीं लिया है उसका भी हुआ, जिनने एक किस्त ली उसका भी हुआ। बाकी भूमिहीन वाले लोग जो है, जैसे हम मछुआरे हैं जो मछली मार कर ही हमारा जीवन हम जो चलाते हैं, हमारे तो वही खेती है। जब सरकार अगर हमको उसका जलाशय के ऊपर हक नहीं देती है तो फिर हम लोग जाएंगे कहाँ? या तो हमको खेती का दर्जा दे दिया जाए, खेती का दर्जा हमको दिया जाए। अरे हमारी तो चूड़ियों की जमीन है, बाप दादा मर गए मछली मारते मारते और हमारे जीवन से ऐसा भी करके हमारा पेट भरा। भाई सरकार इस पर गौर क्यों नहीं करती, न्याय क्यों नहीं देती? और ये हजारों परिवारों की फाइलें जिसमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे, अभ्यास करने के बाद जहाँ कमीशन ने, जांच आयोग ने 7 साल के बाद दी हुई 2000 पन्ने की रिपोर्ट में बताया है कि अधूरे कागजात साबित नहीं करते कि भूमिहीनों को आजीविका मिली है, और ये भुगतान में जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसके लिए वही NVDA के भुगतान करने वाले अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है। तो इसके लिए दो चीज वापस इन्हें करना पड़ेगा, तो संघर्ष सरकार के सामने सरकार को दिखाना पड़ेगा कि आज भी लोगों का पुनर्वास नहीं हुआ है। तो उसके लिए लगातार आंदोलन की तरफ से आंदोलन के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होकर हर बार सरकार को चुनौती देना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक राजनीतिक वादा किया आपने, वास्तव में क्या किया, जमीन पे कहां किस तरीके से सरकार आई है। तो उसके लिए लगातार है सरकार के सामने चुनौती और आंदोलन के सामने, दोनों सामने चुनौती है। सरकार के पास प्रशासन है, बल है, और आंदोलन का एकता की एक प्रतीक है। लेकिन अभी तक पूरा चित्र नहीं आया है किसी के सामने। चित्र केवल इंसानों का नहीं, केवल वहाँ खड़े मकानों का नहीं, केवल पेड़ों का नहीं तो ढोरों का भी है। निमाड़ की उत्कृष्ट उपजाऊ धरती और उस पर होने वाली खेती, इसका आधार है वहाँ का पशु धन, और ये जो धन है उसको अपने परिवार का हिस्सा मानकर निमाड़ के किसान मजदूर आज तक जीते आए हैं। धनगर समाज के लोगों के पास भी बहुत बड़े पैमाने पर आज भी कैटल है, पशु है, और उन सब के लिए पर्याप्त चारा, जगह, पानी सब कुछ उपलब्ध होते हुए निमाड़ में इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। मैं राजगढ़ गांव में रहता हूँ, हमारा गांव डूब क्षेत्र में है। हम बच्चों ने पेड़ों की गिनती की जिसमें 4 गांवों को मिलाकर 7 या 8 हज़ार पेड़ है। बांध बनने के बाद हमारा गांव भी डूब जाएगा, साथ ही पेड़ भी डूब जाएंगे। प्रत्यक्ष में क्या हुआ है, पेड़ तो काटे नहीं गए हैं बिना, केवल पहाड़ क्षेत्र छोड़कर। पहाड़ी क्षेत्र में भी जब पेड़ काटे गए, आदिवासियों ने अर्थात रोकने की कोशिश की, बहुत जगह रोका भी, जैसे जलसिंधी में, जैसे मणिबेली में, जैसे धामखेड़ी में, पर जहां काटे भी गए वहां भी फिर अभी पूरा जंगल खड़ा है। और हमारे आदिवासी तो अभी भी उन गांव में हैं जिनका पुनर्वास नहीं हुआ है, तो वो खुद पेड़ का नाश और वनों का विनाश नहीं चाहते हैं, नहीं करते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन में संघर्ष के साथ रचनात्मक कार्य में यह एक कार्य भी महत्वपूर्ण माना है। निमाड़ का मैदानी क्षेत्र जो है बड़वानी धार खरगोन जिले का, वहाँ कोई जाकर देखे कि पेड़ काटे गए हैं क्या? राजघाट, भीलखेड़ा, खापरखेड़ा जैसे 3-4 और चिखलदा 4 गांव में ही देखेंगे तो हमें सर्वे में मिले 7 से 8 हज़ार बड़े पेड़, और बड़े बड़े बूंदों के ऐसे पेड़ 90 से लेकर
सैकड़ों साल पुराने तक के पुराने पेड़ हैं, इनको काटना भी कोई आसान बात नहीं है। पर अब जबकि ये पेड़ डूबेंगे तो बायोमास सड़कर जो गैस निर्माण होगा वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन ही होता। और क्या नर्मदा किनारे के प्राकृतिक जंगल के विनाश से होने वाले नुकसान की भरपाई कहीं और सैकड़ों किलोमीटर दूर लगे हुए मोनो प्लांटेशन से हो सकती है? नहीं। पर इस पर नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण जैसी इतनी बड़ी हर साल करोड़ों रुपए खर्च करके बनाई गई संस्था भी कोई कार्य नहीं करती। ये मुद्दा केवल पर्यावरणवादियों का नहीं है, ये मुद्दा समाज जो कि नदी को बहते रखना चाहता है, जलग्रहण क्षेत्र के लिए हरा आच्छादन जरूरी मानता है, उसका मुद्दा है। और साथ साथ जिन विस्थापितों को उजाड़ने के बाद नदी को और घाटी को ही पूरा उजाड़ा जाने वाला है उसका भी है। नर्मदा के किनारे किनारे कैचमेंट की जो जमीन है, जो जलग्रहण क्षेत्र की मानी जाती है, उसको उपचार के कार्य करते हुए नर्मदा के या जलाशय में गाद भरने से रोकना ये एक शर्त रही है पर्यावरणीय मंजूरी में। 24 जून 1987 को जो मंजूरी सरदार सरोवर और इंदिरा सागर दोनों बड़े महाकाय बांधों को एक साथ दी गई उसमें यह शर्त निहित है। और इसकी योजना ही बननी थी 1989 दिसंबर तक, उसका अमल होना था। और कैचमेंट कितनी बड़ी है, पूर्णी नर्मदा की कैचमेंट है 1,00,000 चौरस किलोमीटर की, जबकि तापी जैसी नदी की भी 64,000 चौरस किलोमीटर की है। इसमें से सरदार सरोवर की कैचमेंट भी लाखों हेक्टर्स की है। और यहाँ से अगर गाद भरना बंद करना हो तो हर खेत को छोटे छोटे मेढ़ों से बांधना, नर्मदा में सीधे बहने वाले नाले और उपनदियों पर छोटे छोटे डैम्स बांधकर गाद को रोकना और पेड़ पौधे हरा आच्छादन खड़ा करके भूक्षरण को रोकना जरूरी था। तो ये समझ लो, सरदार सरोवर डैम बनने से हम मछुआरों का जीवन एक नरक बन गया है। ना मरे तो मर सकते हैं, ना जिए तो जी सकते हैं, ये हालत हम लोगों की हो गई। महाराष्ट्र में गोदावरी और मौसम नदी का, यमुना का भी वही हाल हुआ है। रेत खनन सबसे महत्व का कारण रहा है यमुना की आज की स्थिति लाने पर, और वही स्थिति नर्मदा की होने जा रही है। यहाँ तो न केवल पेड़ काटे माफियाओं ने, लेकिन पाइपलाइन भी तोड़ी लोगों की, और जब भी कोई रोकने गया तो उन पर हिंसक हमले सा माहौल खड़ा किया। मछली तो लुप्त ही हुई है, एक रिसर्च है प्राध्यापक का बड़वानी जिले में। ये बहुत नुकसान की चीज है, अगर डैम नहीं बनता हम सूखी थे, हम लोग पानी खुला बहता था, नर्मदा साफ थी, औजार का नुकसान नहीं था, किलो दो किलो चार किलो मछली मार के जीवन आराम से गुजारते थे, बाकी अब करें क्या। और साथ साथ हवा पर असर, इतने सारे ट्रक्स दिन रात चलते थे, अब ट्रक्स एक ट्रैक्टर पर उतर आए हैं, काफी रोक भी लगी है पर पूरी नहीं, और टीपी भी नहीं, ट्रांसपोर्ट पास नहीं, तो ट्रक को रोकना संभव है, चौकी लगाना संभव है। वैसे एनजीटी के आदेश है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2 कमिश्नर्स को भेजा, अधिवक्ताओं को भेजा, उन्होंने पूर्ण रिपोर्ट दिया है कि 4 हेक्टर लीज की जमीन दिखाकर 40 हेक्टर खोद रहे हैं, 50 फीट गहरी खोद रहे हैं। खेत तो बर्बाद हुए ही, पर नदी पूरी खुली हुई है, गांव पूरा खुला हुआ है। हर बार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बहुत सारी ऑर्डर्स आदेश दिए हैं, सरकार को कहा कि आप अगर ट्रैक्टर जब्त करेंगे तो एक को भी छोड़ना नहीं जब तक उनकी मंजूरी नहीं ली जाती, लेकिन इतनी भी निगरानी रखने के लिए खनिज विभाग, पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग कमजोर पड़ रहा है। जिस तरीके से निकाली जाती है, इसमें सिर्फ 5 हेक्टेयर तक जमीन दी थी लीज पे, पर आज 200 एकड़ तक खोद दी गई, पूरी रेत बड़वानी से लगाकर पिचोड़ी तक पूरे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक खोदी गई है। इसी तरीके से है, सिर्फ 50-70 फीट तक के नीचे तक खोदा गया पूरी माइनिंग डिपार्टमेंट। देखो किस तरीके से, कोई सरकार प्रशासन कोई नहीं, हाईकोर्ट का रोक, एनजीटी की रोक के बाद भी चल रही है, देखो दिन दहाड़े। अन्यथा 2014 का जस्टिस इकबाल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला होते हुए
आईपीसी 379 के तहत चोरी का आरोप लगाकर माइनिंग एक्ट में जो दंड करेंगे उसके अलावा गिरफ्तारी हो सकती है, इस बात का भी अमल नहीं कर रहा है प्रशासन, और इसलिए ये लड़ाई जारी है, जारी रहेगी। न प्रदूषण नियंत्रण मंडल न नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इसको रोक सकते हैं। रोकने का काम केवल समाज और सामाजिक संगठन ही कर सकते हैं, जो करना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो नर्मदा की यात्रा के पीछे पीछे नर्मदा की मौत भी दिखाई दिए बिना नहीं रहेगी। तो सरकार हमको सजा देने के लिए तैयार हो जाती, सरकार ने गलती की उसका क्या, सरकार ने गलती की उसका क्या, एक तरफ हमको डुबा रहे हैं, दूसरी तरफ हमको हटा रहे, तो हम कैसे जाएंगे और वहाँ जाके कैसे हमारे बाल बच्चों का पालन पोषण करेंगे। यहाँ हम किसान भाई की खेती है तो किसानों के खेत में काम करके हमारे बाल बच्चों का पेट पालन करते, क्या सरकार हमको पुनर्वास में बसेंगी तो देने आएगी? उनसे पुनर्वास तो पूरे नहीं हो रहे, तो वो क्या हमारा विकास करेगी सरकार? विनाश हम लोगों का हो गया, विकास अगर करना है और गवर्नमेंट ने अगर चाहती है कि भाई सभी लोगों को, गवर्नमेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट में दिया भी है कि जिसका जो जाएगा, धंधा जा रहा है, किसी की दुकान जा रही है, हम उसका सबका देंगे, ये गवर्नमेंट का कहना है, तो फिर ये हो क्यों नहीं रहा है? हमारा धंधा जा रहा है, रेत अलग का जा रहा है, मछली मारने का धंधा जा रहा है, तो हमको उसका न्याय मिलना चाहिए, हमको देना चाहिए, कहाँ जाएंगे हम? इन्हें विकास की परिभाषा जिस तरीके से करते, बड़े बड़े रोड बना देना, बड़े से डैम बना देना, बड़े से अच्छे से बिल्डिंग बना देना, इसका विकास बोलते हैं, पर वास्तविक विकास किसका? जो लोग आम व्यक्ति जो अपनी जिंदगी जीवन यापन कर रहे, दो वक्त की रोटी खा रहे, उनका विकास हो तो कोई मतलब? हमारा अधिकार हमको मांगने से नहीं मिलेगा, तो सरकार को, सरकार से चुनौती लेके हम लड़ेंगे, लड़ के हमारा अधिकार छीनेंगे। आगे की हमारा आंदोलन चल रहा है, सरकार से लड़े रहे, न्याय हम सब लोगों को नहीं मिलेगा जब तक हम नहीं उठेंगे। 2017 है, सरकार के कानून से बाहर हो गई है, भूमिहीन हो, काश्तकार हो, सबको न्याय बराबर चाहिए, बसा और जब ही होगी सरकार हमको कुछ देगी, बगैर सरकार नहीं दिए बगैर हम हटेंगे नहीं, चाहे मकान पानी में डूबता है तो साला जब भी पानी खुलेगा टापरी बनाएंगे, बाकी रहेंगे। आज फिर पुनर्वास की ये भूमिहीनों को स्थान, सम्मान और नुकसान की भरपाई देकर पुनर्वास देने की बात को पीछे खींच रही है सरकार। न्यायालय ने इसकी दखल लेना बेहद ज़रूरी है। 31 जुलाई को सरदार सरोवर के जलाशय में अगर 139 मीटर तक का पानी भरा जाएगा तो सबसे पहले प्रभावित होते ही आए हैं जो 2000 साल से 2012-13 में सबसे अधिक ऐसे गरीबों के नदी किनारे के मोहल्ले तहस नहस नहीं लुप्त हो जाएंगे और उसके पीछे पीछे बाकी गांव भी। पर इन भूमिहीनों को न्याय अगर नहीं मिला तो देश के तमाम विस्थापितों के संघर्षों को भी भूमिहीनों की बात रखना मुश्किल होगा, ये हमारा मानना है, और इसीलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ जुड़कर अपने अपने क्षेत्र के तमाम भूमिहीनों की बात, मछुआरों का मछली पर अधिकार, कुम्हारों का जलाशय के किनारे के मिट्टी पर अधिकार, दुकानदारों का दूसरी जगह दुकान के कॉम्प्लेक्स बनाकर अपनी जगह निश्चित करने का अधिकार, कारीगरों का, व्यवसायों का भी दूसरी जगह आजीविका, किसानों को खेती वैसे ही सरकार से मिलनी चाहिए, ये आग्रह आगे बढ़ाना जरूरी है। नर्मदा की घाटी में अब लड़ाई जा